व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि मेरे पास मेरे घर के काम के लिए कोई हेल्पर है या नहीं, लाइक मैंने कोई मेड रखी है या नहीं, या कि मैं सारा काम खुद ही करती हूँ। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं, और साथ ही उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने हाउस वर्क्स कैसे मैनेज करती हूँ और मेरी डेली रूटीन क्या है। तो आप तो मेरे व्यूवर्स हैं, अभी आप बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में नहीं जानते, लेकिन जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे नोन हैं, वो अक्सर मुझे एक बात कहते हैं कि इतने बड़े घर को तो मेड की ज़रूरत होती ही है। तो मैं उनको कहती हूँ कि मेड की ज़रूरत घर को नहीं होती, हमें होती है। तो घर छोटा हो या बड़ा हो, अगर मेड की रिक्वायरमेंट है तो आपके पास मेड होनी ही चाहिए। तो चाहे फिर घर 1 और 2 BHK ही क्यों ना हो, अगर आप वर्किंग हैं, आप सारा दिन बाहर रहती हैं, या आपके बच्चे छोटे हैं, या आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, और अगर आप ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते, तो रीज़न कुछ भी हो, हर एक को अपने घर के काम अपने हिसाब से मैनेज कर लेने चाहिए। मेरा ये मानना है कि किसी भी काम को मैनेज करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक है टाइम और दूसरा है एनर्जी। अगर दोनों में से एक भी चीज़ मिसिंग हो तो बात नहीं बनेगी। अगर मैं बात अपनी करूँ तो मेरे पास कोई मेड नहीं है, मैंने कोई हेल्पर नहीं रखी हुई, मैं सारा काम खुद करती हूँ, भले ही मैं फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले लेती हूँ। मेड रख के मैं खुद को बाउंड नहीं करना चाहती। डेली एक पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करने के लिए मेड के ऊपर डिपेंड करना, आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर मी। सो इसीलिए मैं सारा काम खुद करना पसंद करती हूँ, और खुद काम करने से मुझे पता रहता है कि मेरे घर का कौन सा एरिया ज़्यादा गंदा है और कौन सा नहीं। मेरे घर की क्लीनिंग एक रोटेशन में चलती है, तो 1 by 1 हर चीज़ को मैं क्लीन करती रहती हूँ। इनको मैं सेक्शंस में डिवाइड करती हूँ, लाइक डेली क्लीनिंग, वीकली क्लीनिंग, मंथली क्लीनिंग और ईयरली क्लीनिंग। ईयरली क्लीनिंग के लिए मैं लेबर हायर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि किचन क्लीनिंग को मैं अपने क्लीनिंग आवर्स में काउंट नहीं करती हूँ, क्योंकि किचन जो है वो एक बार क्लीन नहीं होती, दिन में कम से कम 2 या 3 बार क्लीन होती है। उसी तरह से बेड को सेट करना डेली उठ के, वो भी मैं इस क्लीनिंग आवर में काउंट नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग अपना अपना बेड खुद लगाते हैं। बच्चे सुबह स्कूल जाने से पहले अपना बेड लगा के जाते हैं, पापा मम्मा अपने बेड की सेटिंग खुद करते हैं, और हम लोग खुद देखते हैं कि डेली क्लीनिंग में क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं क्लीन करती हूँ और उनको कैसे करती हूँ। एक्टिवली और फास्ट क्लीनिंग के लिए शूज़ ज़रूर पहन लेने चाहिए, स्लीपर्स उतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो क्लीनिंग शुरू करने से पहले मैं अपने शू पहन लेती हूँ। क्लीनिंग का काम कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं होता, तो उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं एक एप्रन पहन लेती हूँ, ताकि उसकी पॉकेट को मैं यूज़ कर सकूँ इस चुटकू से फ़ोन को रखने के लिए, जिसमें मैंने सेव किए हैं अपने फेवरेट ओल्ड एंड न्यू सॉन्ग्स। म्यूज़िक चलता रहे तो मैं पूरा दिन क्लीनिंग कर सकती हूँ। वो चीज़ें जिनको क्लीनिंग में इस्तेमाल करती हूँ, एक छोटी सी बकेट है, एक छोटी सी बास्केट है जिसमें कॉलिन रखा है, एक क्लीनर है जो मैंने बनाया है विनेगर और डिटर्जेंट डाल के, एक ब्रश है, एक छोटा टूथब्रश है छोटी चीज़ों को साफ करने के लिए, और साथ ही कुछ माइक्रोफाइबर क्लोथ्स हैं। शुरुआत करती हूँ मैं घर की किसी एक विंडो प्लस डोर क्लीनिंग से। मोस्टली हम इनको डेली क्लीनिंग में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे घर में ऐसी 7 विंडोज प्लस डोर्स हैं और मैं डेली 1 क्लीन करती हूँ, तो हर विंडो की टर्न हर 6 दिन के बाद आती है। अगर टाइम की बात करें तो रेगुलर क्लीनिंग की वजह से इसे क्लीन करने में सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, और अगर हम इन्हें मंथली क्लीनिंग में रखते हैं तो एक साथ इतना काम करना बहुत हेक्टिक हो जाता है, और डर्ट ज़्यादा होने की वजह से टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। विंडो ग्लास को क्लीन करने के लिए पहले मैं एक ड्राई क्लोथ से डस्ट निकाल लेती हूँ, उसके बाद उसको कॉलिन से साफ करती हूँ। We'll be right back.
तरह ही मैं डेली एक वॉशरूम क्लीन करती हूँ. इट्स अ 4 बेडरूम प्लस 4 अटैच वॉशरूम हाउस. तो हर वॉशरूम की टर्न हर 3 दिन के बाद आती है. बाकी घर के हर मेंबर की भी ड्यूटी है कि वो डेली अपने वॉशरूम को क्लीन एंड ड्राई रखे. मिरर क्लीन करने के लिए डायरेक्ट स्प्रे नहीं करके क्लोथ का यूज़ करना चाहिए. हाइजीन का ख्याल रखते हुए मैं वॉशरूम के अलग अलग पार्ट्स को क्लीन करने के लिए अलग क्लॉथ और अलग स्कॉच का यूज़ करती हूँ. क्योंकि हर वॉशरूम को 3 दिन के बाद क्लीन किया जाता है तो ज़रूरी हो जाता है कि वॉशरूम के हर इंपॉर्टेंट एरिया को अच्छे से क्लीन किया जाए. तो इस तरह का ब्रश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वॉश बेसिन को क्लीन करने के लिए. लेकिन मुझे स्कॉच से वॉश करना ही अच्छा लगता है तो मैं उसी से उसको अच्छे से स्क्रब करके क्लीन कर देती हूँ. और छोटे एरिया को क्लीन करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल करती हूँ. छोटा छोटा सामान रखने के लिए इस तरह की ग्लास शेल्फ्स बनी हुई हैं वॉशरूम में. तो इनको भी सारा सामान उठा के मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ. बेशक हर वॉशरूम में आज शावर है लेकिन हम इंडियंस को आज भी बकेट और मग के साथ बात लेना ज़्यादा इजी लगता है. तो इसलिए मुझे इनको भी अच्छे से वॉश करना पड़ता है क्योंकि इसके ऊपर मैल बहुत जल्दी जम जाती है. बकेट और मग वगैरह को क्लीन करने के लिए भी मैं डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल करती हूँ. टैप्स वगैरह को भी अगर साथ साथ क्लीन कर दिया जाए तो वाटर स्पॉट इनके ऊपर नहीं जमते हैं और ये हमेशा चमकती हुई नज़र आती हैं. डस्टबिन को खाली करके एक बार उसे भी अच्छे से वॉश करके मैं सुखा लेती हूँ. और टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन के नीचे का पार्ट उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेना बहुत ज़रूरी होता है. पावर क्लीनर वॉशरूम टाइल्स पे काफ़ी हार्श इफेक्ट डालते हैं इसलिए मैं इनका यूज़ कम करती हूँ. डेली के लिए डिटर्जेंट ही यूज़ करती हूँ. विंडोज़ और वॉशरूम क्लीनिंग के लिए मैं यहाँ वहाँ ही रहती हूँ लेकिन डस्टिंग एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही करती हूँ. सो यही टाइम होता है लेटेस्ट सॉन्ग के साथ खुद को अपडेट करने का. सो ईयरफोन हटा के टीवी पे म्यूज़िक ऑन करके ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. आई डू एवरीथिंग इन माय ओन स्टाइल. काम तो करना ही है तो बोरिंग वे में क्यों करना और मजबूरी समझ के क्यों करना. ज़िंदगी इतनी हसीन है तो जीने का स्टाइल भी हसीन ही होना चाहिए. मैं डेली उन्हीं पार्ट्स की डस्टिंग करती हूँ जिनको हम डेली यूज़ करते हैं. डाइनिंग के साथ वाला वॉश बेसिन पूरा दिन यूज़ होता है तो इसकी क्लीनिंग का काम डेली ही करती हूँ.
ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर डेली क्लीन होता है, जिसमें किचन, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम और दो बेडरूम्स आते हैं। हमारा ड्राइंग रूम एक साइट पे है, इसीलिए वो डेली यूज़ नहीं होता, जब गेस्ट आते हैं तभी यूज़ होता है, तो उसे डेली क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और फर्स्ट फ्लोर के रूम्स और हॉल की क्लीनिंग वीकली क्लीनिंग में आते हैं। लास्ट सारे डस्टिंग क्लोथ्स को एक बकेट में डिटर्जेंट डाल के डिप कर देती हूँ और एक डेढ़ घंटे बाद उनको निकाल के धो लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट और किचिंग क्लीनिंग के बाद ही मैं एक हाउस क्लीनिंग का काम करती हूँ, और इस पूरे काम को करने के लिए मुझे 1 से 1.25 घंटे के अराउंड लगता है, जो कि मुश्किल काम नहीं है। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलती हूँ आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।